परमात्मा सर्वत्र विराजित से शरीर रूपक घट भितर अछंती एवं घट बाहर मध्य तेणु से परमात्मा को सकल घटर अनुभव करि पारिले आमर मानव जीवन सार्थक हो पारिबो बोली कबीर पंथ मुख्य परम पूज्य प्रकाश मुनि नाम साहेब मत व्यक्त करिछंती। सद्गुरु कबीर साहेब एवं धनी रामदास साहेब 625 जयंती उपलक्षे पुरी तालबणिया ठारे आयोजित संत समागम समारोह और श्री जगन्नाथ पुरी यात्रा दर्शन उद्घाटित होईछि। एहि अवसर रे कबीर पंथ मुख्य प्रकाश मुनि नाम साहेब आशीर्वचन प्रदान करी प्रत्येक निज निज जीवन को श्रृंखलित और परिमार्जित करने परामर्श देते। से कहते जे ईश्वर सत्ता सर्वत्र विराजित यहाँ अनुभव करने सहित एकात्मता भाव आनीपारे जीवन अमृतमय हो पार जो ईश्वरीय सत्तार आम विश्वासी से ही परमात्मा समग्र विश्व ब्रह्मांड में मिशिक रही जेपरी समुद्र जल को एक घटरे रखी ताकु समुद्र रे बुड़ाइले से घटर बाहरे भी जल और घट भितरे भी जल प्रतीयमान हेबो एवं सही घट पानी भितरे भांगी गले उभय घटर पानी समान भावरे ग्रहणीय ठीक सही परी परमात्मा ए शरीर भितरे विद्यमान और शरीर बाहरे भी विद्यमान अछन। जेतेबेले ए शरीर रु प्राण चली जीव सेतेबेले सही जीवात्मा परमात्मा रे विलीन होई जीव बोली प्रकाश मुनि नाम साहेब कहिथिले। संत कबीर साहेब निजर बाणी और कर्म रे परमात्मा को प्रीति करबा सहित निज मनरु अहंकार परित्याग करी सद्गुरु आश्रित हेबा को परामर्श देबा सहित निज जीवन को अमृतमय करबा को उपदेश देथिले। तांको आदर्श को आजिर एही कलुषित समाजर समस्त नरनारी पाथेय करि पारिले जीवन शांतिमय हेबा सहित सुस्थ समाज गठन होई पारिबो बोली संत जी कहिथिले। सद्गुरु कबीर धनी धर्मदास साहेब वंशावली प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित एही दिव्य आध्यात्मिक समागम रे प्रकाश पटेल विजय महंत और सत्य प्रकाश सोनी उत्सव परिचालना करथिले। एही समारोह रे समग्र देशर 32 प्रांतरु प्राय 40,000 भक्त जोग देथिले। आसंता 26 तारीख पर्यंत एही समारोह अनुष्ठित हेबो बोली आयोजक माने प्रकाश करछंती। संतों के बतलाए मार्ग पर चलना चाहिए। संतों ने मानव समाज को सत्य प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना चाहिए। इसी में हम सबका कल्याण है।